आज भारत की आजादी को 71 साल होने को है, तब वर्तमान देशवासियों के लिए ये कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा कि सन 1947 का भारत कैसा था। तो चलिए आज हम उस सच से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि तब भारत की दशा क्या थी। साक्षरता की बात करें तो आजादी के वक्त पूरे अखंड भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल थी, 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटीज थी। चले इसे थोड़ा सलीके से मुद्दे के मुताबिक समझते हैं। 1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत में पहली बार मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच 20 डब्बों वाली ट्रेन चली। इस सफर में महज 33 किलोमीटर के अंतर को काटने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए हुए थे, फिर भी सफर को तय करने में ट्रेन को पूरे 75 मिनट लगे। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी। देश की पूरी रेल व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिसे आजादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। किराए की बात करें तो पाई से लेकर कुछ आने तक था। 1947 में बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें दौड़ती थी। बॉम्बे शहर की आबादी तब 16 लाख हुआ करती थी, पर उस वक्त बॉम्बे की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही थी। अंधेरी के बाद का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे में गिना जाता था। सन 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी। सन 47 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी गाड़ियों का जमाना आ चुका था। यातायात की बात करें तो ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर जैसी बसें दौड़ती थी। किराया तब कुछ 4 आने के आसपास था और पेट्रोल के दाम 41 पैसे प्रति लीटर थे। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। जनरल मोटर्स के सेवरलेट ट्रक भारत में बहुत चलते थे, लेकिन आजादी के बाद ही 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स कंपनी की छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स हमारी देसी मोटर कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपेल कार बनाने के लिए उसी जनरल मोटर्स के साथ मिलकर वडोदरा के पास फैक्ट्री डाली। 1947 में भारतीय विमान व्यवहार। आपको ताज्जुब होगा कि 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, मिश्री एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेकन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालय एविएशन, डालमिया जैन एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसी एविएशन कंपनियां थी। भारत देश में उस वक्त इतनी सारी विमान सेवाएं होने का कारण ये कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई सारे हवाई जहाज बेच दिए थे। कुछ धनिक भारतीयों ने उन्हें खरीद कर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया। कंपटीशन इतनी तगड़ी हुई कि ज्यादातर एयरलाइंस घाटे में आ गई। कुछ 8 एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया, जो था इंडियन एयरलाइंस, और टाटा एयरलाइंस का तो नाम पहले से ही एयर इंडिया कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मुद्रा। दोस्तों, आजादी के वक्त भारत की करेंसी रुपया ही थी, पर आजकल सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले उसके रेट सही नहीं है। सोशल मीडिया पर आमतौर पर ये मैसेज वायरल होते हैं कि तब भारत का 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, लेकिन वास्तव में सन 1947 में 1 डॉलर बराबर 3.13 इंडियन रुपीस था और 1 पाउंड बराबर 13.33 इंडियन रुपीस। बेशक रुपया तब आज की वैल्यू के मुकाबले बहुत मजबूत था। बंटवारे के दूसरे ही दिन पाकिस्तान के सामने ये प्रश्न था कि वो अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करे, क्योंकि तब नोट छापने की 6 प्रिंटिंग मशीनें थी और 6 की 6 भारत की थी। इसलिए पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुक्म ए पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया। सन 1947 में चीजों के दाम। तब अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसों में मिलते थे, शक्कर 57 पैसे किलो थी, केरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपए में मिलती थी। तब 1 तोला गोल्ड की कीमत 103 रुपए थी। वैसे गोल्ड की कीमत विश्व युद्ध से पहले 39 इंडियन रुपीस थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद उसे अचानक बढ़ा दिया गया, इसलिए ये कीमत उस वक्त के लोगों को बहुत अधिक लग रही थी। और लगती भी क्यों ना, तब लोगों की आय भी तो बहुत कम थी।
उस वक्त भारतीयों की एवरेज इनकम सालाना, आई रिपीट सालाना, 265 रुपए थी। इतनी कम इनकम होने के कारण ज्यादातर लोग महंगाई कम होने के बावजूद भी उतने मजे नहीं ले सकते थे, और आज के दौर में हम अधिक महंगाई में भी मजे मार रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, घरेलू फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर्स जैसे 160 किस्म के जीवन जरूरी आविष्कार उस वक्त ना होने के कारण तब की जीवन शैली आज के दौर से बहुत निम्न थी। 1947 में भारतीय सिनेमा आजादी के साल ही भारतीय प्रोड्यूसर्स ने कुल 283 फिल्में बनाई थी और ऑन एवरेज एक फिल्म 1.5 लाख रुपए के खर्च से बनी थी। बंटवारे के बाद भारत में कुल थिएटर्स की संख्या 1384 थी, जबकि अलग हुए पाकिस्तान में कुल 117 थिएटर्स थे। तो दोस्तों, हमारे पुरखों ने जिए उस दौर की बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके इतने इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे हेल्दी नॉलेज के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। वंदे मातरम, टेक केयर।